मैडम तेलुगु तेलुगु बोल दो, सारी तेलुगु ही बोल दो। हमारे कॉलेज का जो है डेवलपमेंट, हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल का जो है डेवलपमेंट की बात करें, और सबसे पहले मेरे ख्याल में गांधीज में से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास थे। क्वारंटाइन जो है करीमनगर से ले के आए, क्वारंटाइन जो पेशेंट जो है गांधी हॉस्पिटल में भी थे, वो लोग जो है हमारी चारमीनार हॉस्पिटल को आने के वास्ते तैयार थे। तो मैडम फ़ौरन जो है तकरीबन 40 पेशेंट्स को जो है यहाँ पे शिफ्ट करा के हम जो है ट्रीटमेंट शुरू करें। और दूसरी बात क्या है बोले तो कोविड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीबडी नोस इट। एंड कोविड की क्योंकि पहली लहर में क्या था, पहली लहर में किसको भी प्रोटोकॉल नहीं मालूम था कि जो है इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसमें क्या देना चाहिए, इसको क्या। उसके बाद हल्का एक एक स्ट्रैटेजी डेवलप हुई। WHO वाले जो है बहुत से प्रोफाइलैक्टिक और जो है दूसरा ट्रीटमेंट टू पर्पस के लिए जो है एक एक प्रोटोकॉल एक्सेप्ट करें। अब सेकंड वेव में क्या हो गया बोले तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ गए, और उस प्रोटोकॉल में खसूसियत के साथ स्टीरॉयड ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंस आया, क्योंकि बहुत से जगह पे ये देखा गया कि जो स्टीरॉयड ट्रीटमेंट देने से जो है इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स हैं वो कम हो जाते हैं, और दूसरी बात उसमें जो है क्या होता है जो है पेशेंट जो है मरने से बच जाता। ये यकीनन स्टीरॉयड बोले तो क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें एक CPP रिंग रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बोले तो स्टीरॉयड से इसका एक बायफेजिक एक्शन है, ये एक जगह पे अच्छा भी रहता और दूसरी जगह पे ख़राब भी करता, ठीक है। तो अब ये सेकंड वेव में क्या हुआ, खासकर ये रिसेंटली 15-20 दिन पहले सबसे पहले एक केस जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जो है एक जो है दिल्ली में एक केस आया, उसमें वो लोग देखे कि जो ये पेशेंट का, ये देखिए आप, ये पेशेंट का जो है ये है फेस, ये जो है डेवलप हो गया। तो लोग परेशान हो गए, भाई ये कोविड का पेशेंट ऐसा कैसे हो रहा है। तो जो है उसके बाद जो है रिसर्च करने के बाद मालूम हुआ कि एक फंगस जो ऑलरेडी फंगस हमारे पास है, जिसको जो है हम म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं, म्यूकर माइकोसिस का जो है क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इसको पहले ज़ाइगोमाइकोसिस माइकोसिस भी बोलते थे। तो इसका ट्रीटमेंट पहले भी था हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो भी जो है फंगस से जो है डेवलप हुआ। जैसा आप जो है ये हमारे पास चप्पल है, चप्पल अगर सड़ गया तो क्या होता, उसके ऊपर जो है बूज जो आता ना, वो भी टाइप ऑफ फंगस ही है। तो जो है ये जो है ट्रीटमेंट शुरू करें। बहुत से लोगों को देखिए आप जो है खासकर ENT हॉस्पिटल में भी, अब हमारे पास हैदराबाद में कोटी में तकरीबन 17 पेशेंट्स अब प्रेजेंट वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से और खसूसियत के साथ हमारे मैडम डायरेक्टर आयुष जो है अलगवेशनी मैडम का जो है इनकी जो है सही की वजह से, यानी इनकी कोशिश की वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक्सेप्ट करके कि जो है हमारे पास कोई यूना नहीं, क्योंकि आपको मालूम है हैदराबाद जो है बहुत से चीज़ों में मशहूर है, लेकिन इसमें तीन चीज़ें खसूसियात रखते हैं, एक है शेरवानी, दूसरा बिरयानी और तीसरा यूनानी। ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद में। तो लोग जो है पूछने लगे कि भाई यूनानी में भी कुछ ट्रीटमेंट है क्या, तो जो है अलगोशन मैडम के पास से जो है प्रोटोकॉल जो है तैयार हुई है। उसके बाद हम जो है परसों CS के पास मैडम के जो है डायरेक्टरशिप में जो है मैडम CS से भी बात करें, तो जो है CS साहब भी हमको जो है वादा करें कि जो है यकीनन हम जो है यूनानी ट्रीटमेंट भी इसमें एक्सेप्ट करेंगे। तो इस लिहाज से अब जो है सवाल रहा कि जो है ये आप जो है ट्रीटमेंट पर्पस के लिए दे रहे हैं या जो है कोई और पर्पस के लिए। हमारे पास यूनानी में कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो बॉडी जो है डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है हमारे पास, बॉडी को हम डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर जो अब जो मैं हूँ वो जो है हम उसको खादिम बोलते हैं, हम जो है उसकी खिदमत करते बॉडी की, तो बॉडी खुद जो है हील कर लेती है अपने आप। तो इस लिहाज से जो है हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो बूस्टर्स हैं, जैसे जो है बॉडी को अगर आप बूस्ट करेंगे तो खुद ब खुद जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उस लिहाज से हमारे पास जो पहले जो अतिबा जो इस्तेमाल करे थे, हम किताबें निकाल करके देखें तो उसमें दाद का लफ्ज़ आया, जिसको आमतौर पर फंगस कहते हैं, फफूंदी, दाद, खूबा, ऐसे चीज़ें आए। तो जो है हमारे पास जो ट्रीटमेंट निकला वो 3 टाइप का ट्रीटमेंट निकला। एक जो है इमिडिएटली ट्रीटमेंट देना, जिसको हम जो है वो अर्ख अजीब के तौर पर दे रहे हैं, और ये अर्ख अजीब इसको, और दूसरा क्या है बोले तो एक है ब्लड साफ करना, क्योंकि ये जो फंगस है ना पहले ब्लड में भी शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लैकनेस आ जाता। तो जो है ब्लड प्यूरीफायर देने के बाद जो है उसका ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा,
तो जो है खुद ब खुद जो है फंगस भी चले जाएगा। और तीसरा जो है इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि ब्लड प्यूरीफाई होता रहेगा, अगर बंदा नहीं ब्लड नहीं बना तो फिर बेकार है। तो ये तीन किस्म का जो है हम जो है प्रोटोकॉल के टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हम जो है प्रिपेयर करें। तो जो है अब जहाँ तक जो है मैडम बोले कि जो है डाइट के बारे में, डाइट आपको सबको मालूम है जब जो है कोविड फर्स्ट टाइम आया तो हमारे पास क्या करते थे बोले तो पहले जो है डाइट अच्छा दे उनको, डाइट जितना अच्छा रहेगा उसका ट्रीटमेंट भी आप जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, ये प्रोटीन्स है। तो हमारे पास भी क्या है बोले तो डाइट आपका जितना अच्छा रहेगा उससे जो है जल्दी से जल्दी आप रिकवर हो सकते। तो हमारा ये क्या है बोला एडवाइस क्या है बोले तो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है वो इस्तेमाल करना। अब हमारे पास क्या होता आमतौर पर गोश्त ले लेके आके जो है 15 दिन रख देते, वो सड़के जाते रहता, फिर उसको जो है पका देते, तो इसकी वजह से भी फंगस आ सकता। ऐसा नहीं कि जो है फंगस नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन अब जो आ रहा है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, यानी जो स्टीरॉयड लेते या जो है किसी की बॉडी की जो है कैपेसिटी कम है लड़ने की, तो उन लोगों को ये ज़्यादा होता। तो जो है अच्छा डाइट जो है फ्रेश वेजिटेबल्स और जो है हाई प्रोटीन डाइट है। तो ये हमारा जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो 3 टाइप का है। एक जो है अब हम जो है कैप्सूल इसलिए बनाएं, हमारे पास हलवा है असल में, लेकिन बहुत से डायबिटिक्स आते हैं तो उसके वास्ते उनको जो है पाउडर फॉर्म में कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं। ये जो टैबलेट है मुसफ़ी है, हब्बे मुसफ़ी, वो सुबह में एक शाम में एक, और ये जो है लोकल ट्रीटमेंट है, आप देखे होंगे जिंदा तिलस्मात वगैरह, तो उसके टाइप का जो है हमारे पास एक ही है। तो ये जो है हमारे पास प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है। आपका इम्यूनिटी अंदर से बढ़ जाए, मतलब कोविड कोविड आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोविड बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स को ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, जो पार्टिकल्स छोड़ के जाता है वो काफ़ी 40 दिन तक भी ब्लड स्ट्रीम में रह रही है, और जिसको कोविड सही भी हो गया बाद 30 दिन का बाद लोग कोलैप्स हो रहे हैं। ये दवाइयाँ लेने से वो परिस्थिति वो नहीं आएगी, मॉर्टेलिटी तक नहीं जाएंगे, मतलब डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा दवाई है ये वैसे इम्यूनिटी बूस्टर है, ये एक यूनिफाइड फॉर्म ऑफ खाना कह सकते हैं। जैसा हम खाना खाते हैं ना, इम्यूनिटी के लिए आंवला खाते हैं, हल्दी जोर ज़्यादा खाते हैं, वो सब ये दवाई में बहुत ऐसा चीज़ें है कि जो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड विच इज़ अ इम्यूनिटी बूस्टर। ये 3 दवाई हम हमारा डॉक्टर जो यूनानी का डॉक्टर है, एक्सपर्ट टीम है, ये गवर्नमेंट को सूचना दी रखी है और गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी कर रखे हैं। तो आज से ये दवाइयाँ यूनानी हमारा निजामिया टिब्बी कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल में अवेलेबल होगी। ये सुविधा हर लोग हमारा लोग को मिलेगी और उनका पूरा का पूरा इनका ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो आप लेके जाएंगे, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। और अपने डॉक्टर बुखारी को ये रिक्वेस्ट करूँगी, वो थोड़ा इसी ड्रग के बारे में सुनाया जा रहा है कि कुछ फंगस डिजीज है जिसका नाम ल्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस भी कहते हैं, ये क्यों आ रहा है, आने के बाद किसको अटैक कर रहा है, किसको आने के लिए पॉसिबिलिटीज है, आने के बाद हम क्या करने चाहिए और इसको आने से कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं, सबके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। अभी कोविड-19 पहला फेज शुरू होने से ही इंतजामिया जनरल हॉस्पिटल चारमीनार 300 बेड सुविधा के साथ ओल्ड सिटी और इन सब जिनका आसपास लोग को भी काफ़ी
एडमिशन का साथ हेल्पफुल रहें, और ये सेकेंड वेव में भी आप हम 250 बेड का साथ कोविड केयर सेंटर शुरू कर रहे हैं। इस सेकेंड वेव में काफ़ी सारे यंग, मतलब पहला वेव में